हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस पिछले वीडियो में आप लोग मिसी का बस इतना ही ड्राइंग देखे हो। आई होप कि पार्ट वन वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर देखे हो तो, और अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। एंड इस पोर्ट्रेट का आउटलाइन ड्राइंग वीडियो भी है मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो इस वीडियो में अब पूरे ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो हेयर्स ड्रॉ करने के लिए पहले मैं येलो कलर को लिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हेयर्स में थोड़े बहुत ही येलो कलर है, इसलिए पहले मैं येलो कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को दे रही हूँ। एंड देन देख सकते हो येलो ओकर इस नेम का एक येलो कलर है, इस कलर को मैं अप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद मैं लाइट ब्राउन कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को दे रही हूँ। एंड उसके बाद डार्क ब्राउन कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को दे रही हूँ। एंड उसके बाद ब्लैक कलर से हेयर्स के स्ट्रोक्स को दे रही हूँ। एंड कलर को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करना है। एंड ब्लेंड करने के बाद ब्लैक कलर पेंसिल से हेयर्स को ड्रॉ कर देना। देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से हेयर्स को थोड़ा डिटेलिंग कर सकते हो। और इस तरीके से हेयर्स में डिटेलिंग देने के बाद व्हाइट ऑयल पेस्टल से हाईलाइट करना है। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं व्हाइट जेल पेन से भी थोड़े बहुत हाईलाइट कर रही हूँ। एंड गाइस मैं जिस तरीके से हेयर्स को कलर किया हूँ उस तरीके से मैं बियर्ड को भी कलर करूँगी।
हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो ड्राइंग कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, आप लोगों के सपोर्ट के बिना एक भी कदम मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।